शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। कल रात राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन आज ईडी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई अंदाजा हो उस बात का, और क्या आज ही इस पर फैसला आ जाएगा या फिर इंतजार करना होगा? देखिए, ट्रायल कोर्ट ने कल शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि जो ईडी है वो पूर्वाग्रह से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभी कोई भी आरोप साबित नहीं हुए, खासतौर पे कि जो मनी ट्रेल है वो भी नहीं मिला। 40 करोड़ तब तक पैसा आया है, लेकिन वो चुनाव में कैसे खर्च हुआ ईडी ये भी साबित नहीं कर पाई है। बाकी 60 करोड़ ढूंढने के लिए उनको कितना वक्त चाहिए ईडी ये भी नहीं बता पा रही है। तो ये कहते हुए ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन अब ईडी जो है आज सुबह कोर्ट में पहुंच गई और कोर्ट से कहा कि हमारे मामले की सुनवाई कीजिए। हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। ईडी ने आज हाईकोर्ट के सामने दलील रखी कि हमारे पास उनके खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत है, इनके खिलाफ दो केस है, एक केस में ये सीधे आरोपी भी है, आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया, तो जो बेल ऑर्डर है उसको खारिज कर दीजिए। अभी जो है आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, अभी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं, तो थोड़ी देर में हो सकता है कि कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला सुना दे या अपना आदेश सुरक्षित कर ले। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या आज ही कोई फैसला देता या अपना फैसला सुरक्षित कर लेता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभी दलीलें रखी जा रही है, तो अगले आधे घंटे या घंटे के अंदर यह सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर हुआ, क्या उनको बेल मिली, उनको राहत मिली, जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए असीम। तो अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा ये फैसला सुनने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली या फिर नहीं। इधर आपके सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सवाल खड़े किए हैं। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाईकोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। इधर केजरीवाल की जमानत को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा है कि किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसके अपराध मुक्त होने का सबूत नहीं है। केजरीवाल अपराधी है। किसी भी अपराधी को बेल मिलना उसका अपराध मुक्त होना नहीं होता, और शराब की जिस नीति में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है उसमें बेल से जेल का ये खेल अब चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया है, और माननीय कोर्ट ने उनको बेल दिया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसी शराब नीति के मामले में बहुत गंभीर टिप्पणियां अरविंद केजरीवाल के रोल पे भी की हैं। तो मुझे लगता है मामला न्यायालय में है, जाँच एजेंसी अपना काम कर रही है, निर्णय आएगा। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर क्यों हो रही है सियासत, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। जमानत पर सियासत क्यों?